धौलपुर पुलिस ने सरमथुरा थाना इलाके के झीरी भमपुरा के जंगलों में कॉम्बिंग की। बता दूं कि इस घटना में बाड़ी सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी के पास से करीब 315 बोर के जिंदा कारतूसों का जखीरा भी बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गुमान सिंह गुर्जर बताया और आरोपी ने खुद को डकैत भारत गुर्जर का मामा बताया। बता दें कुछ दिन पहले भारत और रामविलास से पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें भारत गैंग के कारतूस खत्म हो गए। ऐसे में यह आरोपी भारत गुर्जर डकैत को कारतूस पहुंचाने जा रहा था। वहीं दूसरी ओर डकैत जगन गुर्जर के अपने गांव भवतीपुरा में आने की सूचना पर बसई डांग थाना पुलिस फोर्स ने जगन के घर पर सर्च ऑपरेशन किया। सर्च का विरोध करने पर जगन की मां और भाभी को राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया। जगन पर अब इनाम की राशि बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया। आज जो हमने कार्रवाई की है उसमें हमने सरमथुरा इलाके में झिरी भमपुरा के जंगलों में इनकी सघन तलाशी की गई है। उसके साथ ही हमने बसई डांग इलाके में भी इनकी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसकी दौरान हमें सर्च के दौरान ही एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने दस्तयाब किया है और उससे एम्युनिशन बरामद हुआ है। उसका संबंध रामविलास और भरत गैंग से है और ये शख्स रिश्ते में भरत का मामा है जिससे एम्युनिशन बरामद किया है और ये इनको हथियार और एम्युनिशन सप्लाई का काम करता है। उसका मुकदमा बाड़ी सदर में दर्ज हुआ है। आज दौराने गश्त मुझे सूचना मिली कि गजपुरा से चनीलपुरा की तरफ एक व्यक्ति जा रहा है जिस पर अवैध हथियार कारतूस हो सकते हैं। इस सूचना पर मैं भोलापुरा जंगल में चनीलपुरा घाटी की तरफ पहुँचा। वहाँ एक व्यक्ति गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश में हुआ जिसको हमने पकड़ा। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुमान सिंह पुत्र पदम सिंह जाति गुर्जर निवासी बैसोरा थाना गढ़ीबाग नहुना बताया। जिसको चेक किया तो उसकी जेब से 28 जिंदा 315 बोर के कारतूस मिले।